अस्सलाम वालेकुम, मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ये इससे पहले हम दो पार्ट्स पीएसटी के अपलोड कर चुके हैं, ये पार्ट 3 है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, इसके बाद हम पीएसटी सीटी के जो बाकी पार्ट्स हैं वो भी अपलोड करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं पेपर को। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास मैथमेटिक्स पोर्शन का। पहले हम मैथमेटिक्स पोर्शन को कम्प्लीट करेंगे इस वीडियो में, ये पोर्शन कम्प्लीट हो जाएगा। तो अ पॉलीनोमियल हैविंग टर्म्स डिश टर्म इज कॉल्ड ट्राइनोमियल्स। तो दोस्तों, जो पॉलीनोमियल होता है हमारे पास जिसमें एक टर्म्स हो उसको कहते हैं मोनोनोमियल, जिसमें टू टर्म्स हो उसको कहते हैं बाइनोमियल, और जिसमें तीन टर्म्स हो उसको कहते हैं ट्राइनोमियल्स। तो इसमें कितने टर्म्स हैं? हैविंग थ्री टर्म्स, सी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर करेक्ट है। यहाँ पर ये सी ऑप्शन, ये बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है। On a line, two supplementary angles are in the ratio of 5:1. The two angles will be 20° and 70°, 120° and 60°, 150° and 30°. None of the above. तो इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 24 है सॉल्यूशन के लिए। गिवन रेशो 5:1 सम ऑफ, एज वी नो दैट सम ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल्स इक्वल टू 180 होता है हमारे पास, और गिवन रेशो हमारे पास 5:1 है। तो सम ऑफ रेशो हम निकालेंगे, 5+1 इक्वल टू 6 हो जाएगा। फर्स्ट एंगल, अगर इसमें ये पहली जो रेशो है इसके फर्स्ट एंगल को ये डिनोट करती है, तो फर्स्ट एंगल जो है हमारे पास इक्वल टू, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स में हमेशा टू एंगल्स होते हैं, सम ऑफ टू एंगल इक्वल टू 180°। तो लिहाजा द गिवन रेशो 5 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय टोटल जो एंगल होते हैं इसमें हमारे पास, यानी इसकी जो मेजरमेंट होती है सप्लीमेंट्री एंगल्स की 180। तो 6 1s are 6, 6 3s are 18 और एक जीरो लगा दें, यानी 30 × 180 और 30 को 5 के साथ ज़रब करेंगे तो 150 आ जाएगा, 150°। और इसी तरह सेकंड को फाइंड आउट करने की ज़रूरत ही नहीं है, 180 से अगर 150 निकालें तो पीछे 30 बचेगा, लेकिन फाइंड आउट करने का तरीका ये है, सेकंड एंगल इज इक्वल टू 1। द गिवन रेशो, गिवन 5:1 है, तो ये सेकंड रेशो हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेशो डिवाइड बाई 6 इन टू 180, क्योंकि ये आपके पास सप्लीमेंट्री एंगल्स जो हैं 180, 6 3s are 18 और ऊपर एक ज़ीरो लगा देंगे, यानी 30 × 180, तो यह आपके पास 30°, यानी 150° एंड 30°, ये हमारे पास सी ऑप्शन जो था ये बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, मैथमेटिक्स के पोर्शन को इस तरह हम डिटेल के साथ सॉल्व करेंगे। और ये नेक्स्ट, अगर ये कंसेप्ट अगर आप यहाँ पर क्लियर कर लें तो नेक्स्ट टेस्ट में आपके लिए आसानी हो। तो इस तरह यहाँ पर आप देख चुके हैं कि 150 एंड 30° सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट था। अगले जो क्वेश्चन जो पूछा हुआ है मैट्रिसेस से आया हुआ है क्वेश्चन 20, द मैट्रिक प्रोडक्ट ए बी इक्वल टू जीरो, वेयर जीरो रिप्रेजेंट नल मैट्रिक्स, देन ए इक्वल टू जीरो एंड बी इक्वल टू जीरो, आर ए इक्वल टू जीरो आर बी इक्वल टू जीरो, ए इज नल मैट्रिक ऑल ऑफ द अबव। तो इसको इस तरीके से आप लिख करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चंस अगर डिटेल में जाएंगे तो फिर तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो चलो मैं वैसे इसको कर लेता हूँ, सॉल्व कर लेता हूँ यहाँ पर। अगर दोस्तों आपके पास यहाँ पर ए की वैल्यू अगर हो जाए, आपके पास ए की वैल्यू, ए मैट्रिक जो है ये नल मैट्रिक्स को शो कर रहा है, यहाँ पर जो ज़ीरो है मतलब 0, 0, 0 and 0, इसकी जो वैल्यू आएगी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो चारों एंट्रियाँ जो है ना वो ज़ीरो हो जाएगी। तो इस तरह अगर ए की चारों एंट्रियाँ ज़ीरो हैं और बी की वैल्यू अगर न भी हो तब भी वो ज़ीरो के इक्वल आएगा, नल मैट्रिक्स आएगा रिज़ल्ट आपके पास। और इस तरह अगर सिर्फ ए की वैल्यू हो तो तब भी होगा, अगर सिर्फ बी की वैल्यू, बी इक्वल टू ज़ीरो हो जाए, दोनों मतलब ज़ीरो हो जाए तब भी आएगा, और अगर ए इक्वल टू नल मैट्रिक्स आ जाए तो तब भी होगा, और आल ऑफ द अबव। तो इसमें मेरे ख्याल में डी ऑप्शन जो है, इसको बाकायदा जस्टिफाई करेंगे, बाकायदा सॉल्व करते हैं तो फिर सही इसका क्लियर होता है, लेकिन चलो ये इसका करेक्ट होना चाहिए डी ऑप्शन यहाँ पर। और वैसे बाकायदा इसका जो पता जो सोल्यूशन से चलता है, लेकिन चलो चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ पर 26 की तरफ, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, अगर ए यानी स्क्वायर मैट्रिक है यानी 2×2 है और बी भी 2×2 मतलब उसमें आपके पास 2 rows और 2 columns हैं, तो इस तरह आपके पास यानी क्या होगा, इसका आंसर किसके इक्वल होना चाहिए? ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इन टू बी ट्रांसपोज एन
ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज एन टू ए ट्रांसपोज। तो दोस्तों ए बी होल ट्रांसपोज अगर मतलब पहले ए बी को आप मल्टीप्लाई कर लें और फिर इसका ट्रांसपोज लें, जो रिजल्ट आपके पास आएगा अगर ए का अलग ट्रांसपोज लें बी का अलग लें, लेकिन इसका प्रोडक्ट जो है वो रिवर्स होना चाहिए, यानी पी बी जो है वो पहले आना चाहिए और ए बाद में आना चाहिए, तो तब इस तरह ये इक्वल होगा। तो लिहाजा बी ऑप्शन यानी रिवर्स इन द मैट्रिक्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एरिया एंड ट्रांसपोर्ट बट इन द रिवर्स ऑर्डर। तो रिवर्स ऑर्डर यही है जो इसमें मतलब तरतीब ए बी का तरतीब जो है चेंज हुआ है, बी ए आया है, तो इसमें बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है यहाँ पर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोटा पावर 10 इज इक्वल टू डैश माइनस 1, आयोटा और 1 और 0। तो चलो सॉल्यूशन की तरफ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 27 को, आयोटा पावर 10। तो आयोटा क्या है आपके पास, आयोटा पावर 10 को लिख सकते हैं आयोटा पावर 2 इनटू 5, 2 5 जार 10 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं एज वी नो दैट आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर द रूट माइनस 1। अगर आप दोनों तरफ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ अगर आप स्क्वायर ले लेते हैं तो आयोटा यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से माइनस 1 स्क्वायर द रूट का स्क्वायर अगर लेंगे तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आयोटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1। तो लिहाजा आयोटा स्क्वायर की जगह हम माइनस 1 पुट कर लेते हैं, और माइनस 1 को अगर आप 5 बार मल्टीप्लाई भी करेंगे तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस और माइनस एंड टू माइनस प्लस और फिर प्लस माइनस माइनस। लिहाजा अगर पावर ऊपर आड है तो माइनस में आएगा आंसर, अगर इवन है तो प्लस में आएगा, लिहाजा माइनस 1 ऑप्शन आंसर आएगा और ए ऑप्शन आपके पास बिल्कुल करेक्ट है। अब एक और जो ट्रिकी क्वेश्चंस है उसकी तरफ चलते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी लेस देन 0, जो डिस्क्रिमिनेंट का क्वेश्चन आया था, तो चलो उसको देखते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 जो हमारे पास है, बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी लेस देन 0, देन द रूट्स आर इक्वल एन रियल इक्वल एन रियल अनइक्वल एन रियल इक्वल एन इमेजिनरी अनइक्वल एन इमेजिनरी। तो यहाँ पर तीन कंडीशन होते हैं हमारे पास, बी स्क्वायर जो डिस्क्रिमिनेट होता है ग्रेटर देन 0 हो जाए और परफेक्ट स्क्वायर हो, तीन चार कंडीशन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में वो दूसरा कंडीशन भी आ सकते हैं, तो चलो इन दो तीन कंडीशन को क्लियर करते हैं और इसमें देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपके पास करेक्ट है। ये लेस देन 0 वाले के लिए बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन 0 हो जाए तो। तो चलो पिक्चर्स की तरफ बुक की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट को चेक करने के लिए, अगर हम किसी भी इक्वेशन को चेक करने के लिए सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट को अगर सॉल्व कर लें तो हमें पता चल जाता है कि इस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका आंसर किस तरीके से आएगा। अगर आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी ग्रेटर देन 0 हो जाए तो आपके पास नेचर ऑफ द रूट जो होगा, द रूट्स आर अनइक्वल एन रियल और रूट्स आर रेशनल, ए बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी इज परफेक्ट स्क्वायर। अगर परफेक्ट स्क्वायर हो जाए यानी ग्रेटर है 49 आ जाए या 25 आ जाए तो तब भी, तो फिर अदरवाइज दे आर इरेशनल। और यहाँ पर आप एक और कंडीशन देखते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी इज लेस देन 0 अगर हो जाए, इक्वल टू 0 हो जाए, द रूट्स आर इक्वल, वो इक्वल होंगे, और बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो जाए, द रूट्स आर अनइक्वल इन इमेजिनरी। तो अब आप आंसर में जाएं और रूट्स आर अनइक्वल इन इमेजिनरी को देखें कि वहाँ पर मौजूद है या नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं अनइक्वल एन इमेजिनरी का ऑप्शन आपके पास मौजूद है यहाँ पर डी ऑप्शन, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। और इसी तरह ये मैथ का तकरीबन दो तीन वीडियोस में हम ये इसका जो मैथमेटिक्स का पोर्शन था बहुत डिटेल के साथ सॉल्व कर चुके हैं। गालबन ये पोर्शन मैथ का हुआ चाहता है, कंप्लीट हुआ चाहता है, इसके बाद हम एक एक सेशन को इंग्लिश पोर्शन, इस्लामियात और इस तरह इस्लामियात के जो क्वेश्चन होंगे उसके साथ बुक से तस्वीर भी लगाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, थोड़ी बहुत हेल्प हुई है, तो वीडियो को लाजमी लाइक करें और चैनल को, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसके बाद हम पीएसटी और सीटी के जो वीडियोस अपलोड करें उसका भी आपको नोटिफिकेशन आए, इसका फ़ायदा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।